बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जो एक नया इतिहास रचने जा रहा है, यानी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। 5 सदियों से चला आ रहा है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, पर अब कभी भी फैसला आ सकता है। फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन समाज में वैमनस्य न फैले इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। अयोध्या में भारी फोर्स की तैनाती के साथ ही प्रदेश के बाकी जिलों में भी माहौल बनाया जाना शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से थाना स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। फैसला सुनकर गड़बड़ करने वाले तत्वों पर रासुका का लगाने तक की बात कही गई है। फैसला 17 नवंबर को प्रस्तावित है, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी नजर आ रही हैं कि यह अदालत फैसला कभी भी सुना सकती है, यानी 17 नवंबर से पहले। इस बीच आरएसएस ने प्रचारकों को एडवाइजरी जारी की है कि जश्न मनाते वक्त ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को असहज महसूस हो। इस एडवाइजरी के तमाम मतलब भी निकाले जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस विवाद के बारे में। यह विवाद करीब 5 सदियों से चल रहा है। माना जाता है कि बाबर ने मस्जिद तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण ऐसे स्थल पर कराया जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्मस्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इसे बनवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। बाबर 1526 में भारत आया, 1528 तक उसका साम्राज्य अवध तक पहुंच गया। इसके बाद करीब 3 सदियों तक के इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि इसे लेकर हिंदू मुस्लिम हिंसा की पहली घटना 1853 में हुई थी। तब निर्मोही अखाड़े ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा था कि जिस स्थान पर मस्जिद खड़ा है वहाँ एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला बजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। 1949 में वहां भगवान राम की मूर्ति पाई गई। आरोप है कि इसे हिंदुओं ने वहां रखा था और इसके विरोध स्वरूप वहां नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया। दोनों पक्षों के अदालत में जाने पर सरकार ने इसे विवादित घोषित करते हुए ताला लगा दिया। 25 सितंबर 1990 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। नतीजतन गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे हुए। अनेक इलाकों में कर्फ्यू भी लगा। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवा कर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गई जा चुकी थी। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने वहां चढ़कर झंडा फहरा दिया। गोलीबारी हुई और 5 कार सेवक मारे गए। गोली चलाने का आदेश तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। 31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। यह विवाद ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इस रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया और अस्थायी राम मंदिर वहां बना दिया। इसके बाद ही पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए और करीब 2000 लोग मारे गए। इसके जांच के लिए लिब्राहन आयोग बना। सितंबर 1997 को विशेष अदालत ने मस्जिद ध्वस्त करने के लिए 49 लोगों को दोषी करार दिया, जिसमें भाजपा के प्रमुख नेता भी शामिल थे। इसी क्रम में अयोध्या से लौटते हुए गोधरा कांड हुआ और 49 कार्यकर्ता ट्रेन की बोगी में जला दिए गए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। सीबीआई ने बाबरी मस्जिद गिराने के मामले में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। 17 साल बाद लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को सौंपी। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी। अब 1 जनवरी 2019 को
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर वह अध्यादेश नहीं लाने जा रहे हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, इसके बाद जो भी सरकार की जिम्मेदारी होगी उसे पूरा किया जाएगा। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हो गई और बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संभावना जताई जा रही है कि यह बेंच 15 नवंबर तक फैसला सुना देगी। दरअसल बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। 16 को शनिवार व 17 नवंबर को रविवार है। ऐसे में फैसला इन दो तारीखों से पहले भी आ सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि हमारा इंटेलिजेंस पूरी तरह से सक्रिय है, किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं होगी। उधर आरएसएस ने एडवाइजरी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आने पर उत्सव मनाएं और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में दीप जलाएं, लेकिन दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। उत्सव मनाने के लिए बाजारों में रोशनी की जाए, घरों में दीपक जलाएं, मंदिरों में विशेष पूजा और हवन आदि किया जाए। आरएसएस का कहना है कि फैसला चाहे जो भी हो, उसे पक्ष व विपक्ष दोनों को दिल से स्वीकार करना चाहिए। बनी रहेगी हमारी इस मुद्दे पर बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।